हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं आपके बालों के लिए बहुत ही इजी रेमेडी लेकर आई हूँ। आप 10 मिनट में इसको रेडी कर सकते हैं और फटाफट आप लगा लीजिए, बहुत ही अच्छे इफेक्टिव इसके। तो फ्रेंड, ये पैक बहुत ही लगाना भी बहुत ही इजी है और बनाना भी बहुत ही इजी है। तो चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है, फिर वीडियो के लास्ट में जानेंगे इसकी गुडनेस। तो फ्रेंड, यहाँ पर इस पैक को रेडी करने के लिए हमें यहाँ पर अदरक चाहिएगा। तो आप यहाँ पर अदरक ले लीजिए, और यहाँ पर मैंने अदरक लिया है। मैं यहाँ पर 7 दिन के लिए इसको बना रही हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर आपको जो है अदरक को इस तरीके से काट लेना है, छोटे छोटे पीसेस में आप काट लीजिए अदरक को। अच्छे से आप इसको वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, जो भी धूल मिट्टी है इससे हटा दीजिए। और फिर आपको मिक्सी जार लेना है। मिक्सी जार में आप अदरक के टुकड़े जो हैं डाल देंगे। और यहाँ पर 1 कटोरी पानी में यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। तो 7 दिन के लिए बना रही हूँ फ्रेंड। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा पानी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा अदरक यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसको पीस लेंगे हम, और बिल्कुल फाइन सा इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। लिक्विड सा जो है इसका पेस्ट रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें यहाँ पर छन्नी या फिर आप कोई भी कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, उससे आप इसको छान लीजिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं अदरक को अच्छे से छान लूँगी, और जो हमारा वाटर है वो हमें यूज़ करना है। तो आप अदरक को अच्छे से छान लीजिए। अदरक का पानी आप इसमें यूज़ करेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर अब हमें इसके बाद क्या ऐड करना है, तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एलोवेरा जेल। तो आप प्लांट वाला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 चम्मच एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ इसमें, इस वाटर में। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप प्लांट वाला यूज़ कर सकते हैं, पर हमको 3 चम्मच एलोवेरा जेल जो है इसमें ऐड करना है। ऑयल यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर कोकोनट ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल का तेल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो है कैस्टर ऑयल अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पर कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। कैस्टर ऑयल हमारे बालों को मोटा करता है, लंबा घना बनाता है, तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल हमने इसमें ऐड किया है, ऑयल इसमें ऐड किया है, तो अच्छे से मिक्स हो जाए। इतनी अच्छी तरीके से आप इसको मिक्स कर लीजिए। फिर यहाँ पर जो है हमारा हेयर स्प्रे रेडी है फ्रेंड। तो आप यहाँ पर इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर आप इसको स्प्रे बोतल में डाल सकते हैं, या फिर आप कोई भी नॉर्मल बोतल में डाल सकते हैं। आपको अच्छी तरीके से अपने बालों में लगाना है फ्रेंड इसको। इसको इस वाटर को जो है हेयर वॉश किए हुए बालों में लगाना है। बालों को आप अच्छे से कॉम कर लीजिए। यहाँ पर हमारी हेयर स्प्रे बोतल रेडी है। तो यहाँ पर मैं अपने बालों में अच्छे से स्प्रे कर लूँगी फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको अपने बालों में अच्छे से इसको स्प्रे कर लेना है, और फिर आपको अच्छे से मसाज करनी है अपने बालों में। इसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट है। जहाँ से आपके बाल उड़ चुके हैं वहाँ पर आपके बाल वापस आने लग जाएंगे, हेयर ग्रोथ फास्ट हो जाएगी फ्रेंड। और आपको यहाँ पर हेयर लेंथ में जो है इसको यूज़ नहीं करना है, आप स्कैल्प में ही यूज़ करें। तो आप गर्मी में आपको इसको जो एक ही टाइम यूज़ करना है अपने बालों में, और ठंडियों में आप इसको 3 से 4 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में आपको सिर्फ 1 ही बार इसको यूज़ करना है, याद रखिएगा फ्रेंड। इसके बाद आप ऑयल कर सकते हैं, ऑयल मसाज कीजिए अच्छे से, और नेक्स्ट डे आप फिर मॉर्निंग में हेयर वॉश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं इसके। तो यहाँ पर मैंने जो है जूड़ा बना लिया है, उसको मैं छोड़ दूँगी, और नाइट में मैं अच्छे से ऑयल मसाज करूँगी, और फिर नेक्स्ट डे जो है हेयर वॉश करूँगी फ्रेंड। बहुत ही अच्छे बेनिफिट है, और आपके हेयर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। आपके हेयर ग्रोथ इतनी फास्ट हो जाएगी कि आपको बिलीव नहीं होगा फ्रेंड। इतना अच्छा जो है ये हमारा हेयर स्प्रे रेडी है। तो आप इसको यूज़ कीजिए, इसका फीडबैक मेरे साथ में ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।